Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. भैया ये सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल है अलवर गेट अजमेर में, और इसमें समस्या ये है कि मैडम ने आज बोर्ड लगा दिया कि 7:55 के बाद एंट्री नहीं होगी। बच्चों का आज एग्ज़ाम है और हमारे बच्चे 7:58 पे करीबन आए तो उन्होंने आने नहीं दिया। मेरी बच्ची के अलावा और भी करीबन 20-22 बच्चे थे जो कि 1 मिनट 2 मिनट और 3 मिनट तक लेट थे, और कुछ बच्चे 8 बजे तक भी थे। तो हमने इनके गार्ड्स वगैरह को बहुत रिक्वेस्ट की कि आप बच्चों को अंदर ले लो, लेकिन नहीं लिया। सिस्टर से बात कराओ इसके लिए रिक्वेस्ट की, इन्होंने नहीं लिया। बहुत देर बाद करीबन 9 बजे सिस्टर आई, और उन्होंने भी सिस्टर प्रिंसिपल मैडम शीना, उन्होंने भी बहुत बदतमीजी से बात की। बच्चे इतने रो रहे थे, उनको भी पूरी तरह डांटा, फिर भी नहीं लिया। फिर कोई पुलिस की गाड़ी आई, फिर पुलिस अधिकारी अंदर गए, उन्होंने बात की, उसके बाद सिस्टर ने अंदर आने दिया। तो हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी कार्रवाई करें। हम बच्चों को यहाँ सीखने के लिए भेजते हैं, पर यदि बच्चों का एग्ज़ाम है और 2 से 3 मिनट भी लेट हो गया तो आपने अंदर आने नहीं दिया। 1 घंटे तक बच्चे बाहर खड़े खड़े रोते रहे, लेकिन आपने अंदर नहीं आने दिया। क्या लगता है बच्चों का एग्ज़ाम खराब हो सकता है? बच्चों का एग्ज़ाम खराब हो सकता नहीं है, एग्ज़ाम खराब हो गया है। क्योंकि बच्चों को आप जब 1.25 घंटा बाद अंदर ले रहे हो और बच्चे रो रहे हैं, तब से खड़े हैं, इतने भारी बैग लेकर के खड़े हैं, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, और उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं शहर में रोड की हालत कितनी खस्ता है, और जल्दीबाजी के आने के चक्कर में किसी पेरेंट्स का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी 1-2 मिनट की तो छूट दी जाती है, और बच्चा लेट हुआ है तो 1 या 2 मिनट भी लेट हुआ तो उसको अंदर आने देना चाहिए। शिकायत करेंगे हम, इसकी शिकायत आप मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, और जो शहर के मान्य लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वो कृपया इस हमारे बयान को, वीडियो को देखकर ही कार्रवाई करें। आपका परिचय? मेरा नाम राजेश है।